आज हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक आइसोलेटेड गैसेस एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर जो एंथैल्पी में चेंज आती है उसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर जो एंथैल्पी चेंज आती है उसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर जो एंथैल्पी में चेंज आती है उसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहा जाता है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर जो एंथैल्पी में चेंज आती है उसे सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहा जाता है। जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है वो एक्सोथर्मिक भी होता है, एक्सोथर्मिक भी होता है और इंडोथर्मिक भी हो सकता है, इंडोथर्मिक भी हो सकता है, लेकिन मेनली एक्सोथर्मिक होता है। अगर दोनों में से एक चूज करना हो तो एक्सोथर्मिक लगाया जाएगा, लेकिन अगर दोनों आ गया कि बोथ तो बोथ लगाया जाएगा, लेकिन मेनली एक्सोथर्मिक होता है। लेकिन जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है यह ऑलवेज इंडोथर्मिक होता है, इतना ध्यान रखना है। जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है ऑलवेज इंडोथर्मिक होती है, ऑलवेज इंडोथर्मिक होती है, इतना ध्यान रखना। जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो ऑलवेज इंडोथर्मिक होती है, और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सो भी हो सकती है और इंडो भी हो सकती है, लेकिन मेनली एक्सोथर्मिक होती है। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का आर्डर पढ़ लेते हैं हम लोग कि उसका पीरियड में या ग्रुप में किस प्रकार से आर्डर घटता है, बढ़ता है या सेम रहता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का आर्डर पढ़ेंगे अगर हम लोग तो देखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ए है पीरियड में आगे जाने पर, और ए है ग्रुप में नीचे आने पर। ग्रुप में नीचे आओगे तो एटॉमिक नंबर और सेल दोनों बढ़ेंगे, और पीरियड में आगे जाओगे तो सिर्फ एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। तो जो पीरियड में आगे जाने पर एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है उसकी वजह से, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है उसमें क्या होता है, इंक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है उसमें इंक्रीज करती है पीरियड में, एटॉमिक नंबर बढ़ने से उसे जेड स्टार इंक्रीज करता है इसकी वजह से, और नीचे सेल इंक्रीज करता है उसकी वजह से जेड स्टार कम हो जाता है, और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कम हो जाती है। इसे नीचे जाने पर डिक्रीज करती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नीचे जाने पर डिक्रीजेस और आगे जाने पर इंक्रीजेस। चलो आर्डर देख लेते हैं, सेकेंड ग्रुप का आर्डर देखते हैं, मेनली यही पूछा जाता है। सेकेंड ग्रुप का आर्डर देखा जाए तो इस हिसाब से होना चाहिए, लिथियम बेरिलियम ए मतलब होता है, सेकेंड ग्रुप का ऐसे होता लिखा होता ना, लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। नोबेल गैस के बारे में हम लोग अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि उसको पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है और इनका सबका निगेटिव होता है, इसलिए पहले निगेटिव वालों को देख लेते हैं, उसके बाद पॉजिटिव वालों को अलग से हम लोग सीख लेंगे। देखो इसको ऐसे होना चाहिए था, आगे जाने पर बढ़ना चाहिए था, ऐसे नॉर्मली ऐसे होना चाहिए था, लेकिन बेरिलियम का नाइट्रोजन जो हाफ फील्ड होता है इसकी वजह से, बेरिलियम जो फुल फील्ड होता है इसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में बदलाव हो जाता है। जो अपने पड़ोस वाले होते हैं उनसे वो इनका सबसे कम ही हो जाता है इनमें। अभी मैं सीक्वेंस बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आगे ज़्यादा होना चाहिए था लिथियम से, यहाँ पर लिथियम से ज़्यादा होना चाहिए था तो लिथियम से यहाँ पर कम वाला लगा लो, और यहाँ पर कार्बन से ज़्यादा होना चाहिए था तो यहाँ पर कार्बन से भी कम हो जाएगा। इसका आर्डर भी देख लेते हैं, इसका आर्डर इस हिसाब से हो जाएगा कि नाइट्रोजन का सबसे कम हो जाएगा इसके इस पीरियड में, फिर बेरिलियम का हो जाएगा, फिर लिथियम का हो जाएगा, फिर बोरान का हो जाएगा, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, इस हिसाब से इसका हो जाएगा। जैसे इसमें फ्लोरीन का -328 हो जाता है, और लिथियम का ये सब एनसीईआरटी का डाटा है इसलिए मैं सिर्फ एनसीईआरटी वाला डाटा ही बता रहा हूँ। लिथियम का -60 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इस हिसाब से इसका ऑर्डर हो जाएगा। अब हम लोग ग्रुप 15 16 और 17 के बारे में पढ़ लेंगे। ये सबको मैंने बता दिया कि एक ही फुल फील्ड की वजह से इसका गड़बड़ हो जाता है, इसका हाफ फील्ड की वजह से गड़बड़ हो जाता है, इतना ध्यान रखना। नाइट्रोजन का सबसे कम हो जाता है, फिर बेरिलियम का, फिर लिथियम, फिर बोरान, फिर कार्बन ऑक्सीजन फ्लोरीन।
अब 15, 16, 17 ग्रुप के बारे में पढ़ लेते हैं, उसका आर्डर कैसे होगा, और नोबेल गैस का हम लोग अलग से पढ़ेंगे। 15, 17 ग्रुप में एक एक गड़बड़ कर जाते हैं कुछ ऊपर वाले सबसे, वो एक एक कम हो जाता है, और ऑक्सीजन का तो उसके सबसे कम हो जाता है। अभी सीक्वेंस याद करते हैं उसका। जैसे ग्रुप 15 में हम लोग अगर देखें तो फास्फोरस का सबसे ज़्यादा हो जाता है, फिर नाइट्रोजन का, फास्फोरस का सबसे ज़्यादा, फिर नाइट्रोजन का, फिर आर्सेनिक का, फिर इस हिसाब से हो जाएगा, बिस्मथ का सबसे कम हो जाएगा इसमें, इसके ऑर्डर में। फिर ग्रुप 15 में बिस्मथ का सबसे कम हो जाएगा और फास्फोरस का सबसे ज़्यादा हो जाएगा नाइट्रोजन का। देखो तो एक नंबर पर आ गया, इसको मेनली ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन कहाँ भाग गया। अब ग्रुप 16 में अगर बात की जाए, ग्रुप 16 में देख लेते हैं, ग्रुप 16 में भी ऑक्सीजन जो है उसका सबसे कम हो जाता है, इतना ध्यान रखना है, ऑक्सीजन का सबसे कम हो जाता है, ऑक्सीजन का सबसे कम हो जाता है, इतना ध्यान रखना है, ऑक्सीजन का सबसे कम हो जाता है उसके ग्रुप में। ये देखो ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया सबसे कम, इतना ध्यान रखना है। ग्रुप 17 में देख लेते हैं, ग्रुप 17 में क्या है, यहाँ पर एकदम से वही ग्रुप 15 वाला हो जाएगा, सिर्फ फ्लोरीन जो है क्लोरीन से कम हो जाएगा, क्लोरीन से कम हो जाएगा फ्लोरीन बस, और सिर्फ वही रहेगा जो जनरली रहता है। यहाँ पर फ्लोरीन को याद करना कि फ्लोरीन का कम हो गया क्लोरीन से, इतना ध्यान रखना है। अब हम लोग नोबेल गैस के बारे में पढ़ लेते हैं कि नोबेल गैस का आर्डर किस प्रकार से होता है, नोबेल गैस का आर्डर। और ये सब नेगेटिव में होते हो तो मैंने बता ही दिया था, नेगेटिव में अगर वैल्यू याद करना चाहो, याद नहीं करना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, सिर्फ देख लेते हैं। इसका -349 होता है और इसका -295 होता है, और इसी बीच में इन सब का आ जाएगा, माइनस में ही होते हैं ये सब, माइनस में होते हैं इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी। अब नोबेल गैस की बात करते हैं, नोबेल गैस की इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी पॉजिटिव होती है, और उसे पॉजिटिव है तो क्विट पॉजिटिव होती है, मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज वैल्यू होती है पॉजिटिव में, इसलिए इनको मैंने इसके सीक्वेंस में कहीं भी ऐड नहीं किया, इनको अलग से पढ़ते हैं। नोबेल गैस के इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी के बारे में बात की जाए तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी होती है जो क्विट पॉजिटिव होती है, मतलब लार्ज पॉजिटिव, क्विट पॉजिटिव वैल्यू होती है। इसका अगर सीक्वेंस देखें, पॉजिटिव में सीक्वेंस अगर देखा जाए नोबेल गैस का यानी कि एनर्ट गैस का, तो ये होती है हीलियम की, इसमें सबसे कम हो जाती है, इतना ध्यान रखना। और नॉर्मली वैसे होगी कि पे के नीचे आने पर, ग्रुप में नीचे आने पर डिक्रीज करेगी, ऐसे ही नॉर्मली होती थी, मैंने बताया था ऑर्डर ना, लेकिन इसमें क्या होता है कुछ सेम भी हो जाते हैं, जैसे आर्गन हो गए, क्रिप्टन हो गए, इन दोनों का सेम हो जाता है, और हीलियम का सबसे कम हो जाता है, चनान हो गए, रेडान हो गया, ऐसे सीक्वेंस रहेगा कि नियान का सबसे ज़्यादा हो जाता है नोबेल गैस में, और हीलियम का सबसे कम हो जाता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी का मतलब वैल्यू देखना हो, वैल्यू देख सकते हो, इसका 116 होता है और इसका 48 होता है, इतना ध्यान रखना है। इसी बीच में इन सबका हो जाता है, इन दोनों का 96 हो जाता है, +96 पॉजिटिव में आता है, +96 ऐसे इन दोनों का हो जाता है, 77 और 68, वो वैल्यू नहीं याद करना है, बस ऐसे ही सिर्फ सीक्वेंस याद करना कि नोबेल गैस में नियान का सबसे ज़्यादा हो जाता है और हीलियम का सबसे कम हो जाता है नोबेल गैस में, और जिसका क्विट पॉजिटिव होता है, क्विट मतलब लार्ज पॉजिटिव, लार्ज याद कर सकते हो उसके यहाँ पर क्विट लार्ज पॉजिटिव वैल्यू हो जाती है नोबेल गैस की, बस इतना ध्यान रखना था इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी में। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी का लेक्चर संपूर्ण हुआ।